सबको जय मसीह की। मेरा नाम मधु है, मैं बहलाना से आई हूँ और मुझे 18 साल से दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, जिस तरह की कल आपने देखा सबने कि कितनी बुरी, और मेरे पूरे बाल खुल गए थे कल आप लोगों ने देखा पूरा सारा। किस किस ने देखा इनके बाल खुल गए थे और ये पूरा घुमा रहे थे? तो कल मुझे सच में पूरी भरपूरी चंगाई मिली है, सच में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरह के मेरे यहाँ पे ये दर्द, जब आपके ऊपर दुष्ट आत्मा आती थी तो आप घर में कुछ तोड़ते भी थे? बहुत ज़्यादा, मैंने तो कल परसों शीशा भी फोड़ लिया था अपने ऊपर से, और काफ़ी बर्तन भी, मैंने अपने बड़ी वाली लड़के का गला भी घोट दिया था, वो डर के मारे आ भी। इन्होंने अपनी बड़ी बेटी का गला घोट दिया था और वो डर के मारे इनके साथ चलना पसंद नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं बच्चे दोनों मेरे, लड़कियाँ, क्योंकि उनके साथ में कुछ ज़्यादा ही होता था, उनको मारना पीटना, घर में इतना हंगामा करना, किसी की बात नहीं सुननी, अपने हस्बैंड की बात नहीं सुननी, चिल्लाती थी बुरा से, दरवाजे मारती थी दे दे के, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, कुछ भी खाती थी कुछ भी पीती थी, कुछ भी नहीं होता था मेरे को, पता ही नहीं कैसे। मगर सच में बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को सच में बहुत अच्छा। कल रात से आपको कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं खाली खाली पंसा महसूस कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। कल रात से इनको बहुत अच्छा लग रहा है। कल मेरे नाल बोल, मेरे नाल बोल पाकरो, बोल मेरे नाल बोल, मेरे नाल बोल पाकरो, सारी शक्ति बोल मेरे नाल बोल पाकरो, बोल 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 मेरे नाल पाकरो, मेरी और देख, रब आखर ने शिखा लगा इधर, मेरी सारी शक्तियां इधर देख मेरे वश में हैं, इधर देख इधर हुक्म, मेरी और देख मेरी सारी शक्तियां, मेरी सारी शक्तियों को तोड़ता, तेरी सारी शक्तियों को रद्द करता हूं, मेरी बहन के जीवन को छोड़ दे अभी इसी वक्त, छोड़ो उसको, गेट आउट फ्रॉम दिस पावर, समाप्त हो जा, ताली बजाइए। जब आपको बताया तब भी आपके अंदर वो असर था दुष्ट आत्मा का? हाँ जी था तो सही, मगर जब इनसे मैंने फोन पे प्रार्थना कराई थी उस दिन से थोड़ा थोड़ा मुझे कंट्रोल सा होने लग गया था, मगर जब भी आप बाहर थे मैं से आप प्रार्थना नहीं कर पाया, आप किस सिस्टर का नंबर दिया था, मैं मीटिंग में भी आई थी उस टाइम पे भी काफ़ी जोर था मेरे ऊपर, मगर धीरे धीरे मुझे कंट्रोल मिल रहा था। मगर शुक्रवार को बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि शनिवार को यहाँ मीटिंग में आना था और मैं सबको जोर कर रही थी कि कोई घर में लड़ाई मत करना, क्योंकि मीटिंग में शनिवार के मीटिंग अटेंड करनी बहुत ज़रूरी है। उस डर के मारे हमने वो घर भी छोड़ के ना मैं अपनी नंद के घर पे शुक्रवार को रात को ही चली गई, ताकि मेरे साथ कुछ। देखिए दुष्ट आत्मा का जोर इनके ऊपर इतना था कि अपना घर छोड़कर नंद के घर रहने लगे जाकर, लेकिन 18 साल से दुष्ट आत्मा इनको लगातार परेशान कर रही थी। वो जो गला था क्या होता था गले में? मेरा तो वो गला ऐसा लगता था घंटी दबा रही, एकदम गला दबरा था। बोला जाता था? नहीं बोला नहीं जाता था मुझसे, आवाज बिल्कुल नहीं आती थी। नहीं आती थी बट धीरे 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 आती थी, और कुछ खाया नहीं जाता था, गड़ जाता था अंदर। तो हॉस्पिटल में चेक करवाया आपने? हॉस्पिटल में चेक कराया, उन इंजेक्शन वगैरह दे देते थे मुझे। पूरे ही एक हफ्ता में हॉस्पिटल में रही हूँ, कभी 16 में कभी सचदेवा, आप 29 में जानते होंगे सचदेवा डॉक्टर को, उन्होंने भी बड़ा दवाई दी, कह रहे कि नहीं गले में इन्फेक्शन है, कुछ नहीं है, ऐसे आराम हो जाएगा, मगर दवाई लगती नहीं थी मुझे। और जिस दिन मैंने आपसे प्रार्थना करवाई थी, डॉक्टर क्या कहते थे, आप चंगे हो जाएंगे? नहीं वो कहते थे, कह रहे कुछ भी नहीं है,
पीजीआर वालों ने तो बिल्कुल जवाब दिया था, गले से ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे यहाँ पे नलियों में थी, यहाँ पे हार्ट में दर्द होता था, उसके लिए मैंने रिपोर्ट में दिखाया था, उन्होंने साफ साफ लिख के दे दिया। 32 वालों ने तो बिल्कुल साफ साफ लिख के कागज पे दे दिया कि मैं इस पेशेंट को खुश नहीं कर सका क्योंकि इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ये ठीक होएगी कि नहीं। उनको प्रॉब्लम समझ नहीं आई, लेकिन कल रात जब यीशु के पास ही आए तो मसीह यीशु को इनकी बीमारी समझ आ गई। मेरी बहन के जीवन को छोड़ दे अभी इसी वक्त, छोड़ो इसको, गेट आउट फ्रॉम दिस बॉडी, समाप्त हो जा, ताली बजा यीशु। कितने हॉस्पिटल में आप गए, कितने हॉस्पिटल में गए? पहले मैं पीजीआई में गई थी। नहीं, नाम मत बताइए, कितने हॉस्पिटल में गए? 6-7 हॉस्पिटल में गए। 6-7 हॉस्पिटलों में ये गए, लेकिन 6-7 हॉस्पिटल में किसी हॉस्पिटल के अंदर इनकी प्रॉब्लम उन्हें समझ नहीं आई, लेकिन कल रात ये मसीह यीशु के पास आए और मसीह यीशु ने इनका स्कैन किया और मसीह यीशु को इनकी प्रॉब्लम समझ आ गई। और कल रात मसीह यीशु ने सिर्फ इन्हें दवाई नहीं बल्कि इनका इलाज ही कर दिया। आउट फ्रॉम दिस पावर, समाप्त हो जा, ताली बजा यीशु। प्रेज द लॉर्ड। कहां मिलेगा ऐसा परमेश्वर, कितना भला परमेश्वर है। प्रभु आपका आशीष दे। अभी जब से आप चंगे हैं, आपके बच्चों को कैसा लग रहा है, आपके पति को कैसा महसूस हो रहा है? मेरे पति तो बहुत खुश है क्योंकि वो इससे ज्यादा घर में भी मेरे टेंशन में रहते थे, वो ज्यादा परेशान रहते। पति हैं यहाँ पर? बिल्कुल हैंगे, वो बैठे पति जी से सुनेंगे कितना परेशान थे ये। दादा मैं बहुत परेशान था, इसके पीछे मैंने कम 2-3 लाख रुपया मैंने हॉस्पिटल में खो चुका है। 2-3 लाख रुपया ये कह रहे हैं मैं अपनी पत्नी के ऊपर लगा चुका हूँ। लगा चुका 2-3 लाख रुपया हॉस्पिटल में लगा चुका, हॉस्पिटल ने सर ने जवाब दे दिया। 2-3 लाख रुपए आप लगा चुके, उसके बावजूद भी जवाब मिल गया? हाँ जी। माय गॉड, वरना कल से बहुत खुश हूँ। दुख होता है? हाँ दुख तो होता है, गरीब आदमी एक एक पैसा जोड़ते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो पैसा इन्होंने अपने लिए, अपने घर के लिए, बच्चों के लिए जोड़ा वो पैसा, और कल से मैं बहुत खुश हूँ, हॉस्पिटल में चला गया। धन्यवाद करता हूँ इसको, चंगाई दी। मैं बहुत कल से मैं बहुत खुश हूँ, कल से मैं बहुत खुश हूँ, प्रेज द लॉर्ड। कल से बहुत खुश हूँ, इसको चंगाई दी प्रभु ने, इसका धन्यवाद करता हूँ। आमेन। किसने चंगा किया? प्रभु ने चंगाई दी, यीशु प्रभु ने चंगाई दी, यीशु ने चंगा किया। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मुझे बहुत बार मुझे बता रहे थे कि हमने बहुत सब कुछ करवा के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। इन्होंने बोला हमने प्रार्थनाएं भी करवा ली, वो प्रार्थना भी करी, 3 साल हो गए मेरे को मस्जिद के अंदर। देखिए 3 साल हो गए इनको प्रार्थना करवाते हुए, 3 साल हो गए, पूरे 3 साल, लेकिन पूरे 3 साल बाद भी इन्होंने प्रार्थना ही करवाई और यीशु ने चंगा किया, यीशु ने चंगा किया। हाँ कल चंगाई मिली, इसको मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, इसको चंगाई नहीं मिली वहाँ 3 साल से भी, इसको 3 साल से चंगाई नहीं मिली, चंगाई नहीं मिली। नहीं जी, और कोई बात नहीं, देखो जहाँ यीशु मसीह को काम करना होता है वो वहीं काम करता है। हाँ ओके, बैठिए, प्रभु आपको आशीष दे।